हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं जो 17 इंच का मोटर है उसके बारे में डिटेल्स। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई स्पॉक व्हील में आपके पास 17 इंच का हब मोटर है कि नहीं, तो हाँ हमारे पास स्पॉक व्हील में भी आ गया है। पहले हम सिर्फ एलॉय व्हील का रखते थे 1500 वाट और 2 किलो वाट, लेकिन अब ये स्पॉक वाला व्हील भी आ गया है रिम। ये 18 इंच और 17 इंच दोनों में अवेलेबल है। अभी हमने ये 1000 वॉट के हिसाब से बनाया हुआ है। इसमें आपको 45 के आसपास की स्पीड मिलेगी, दो सवारी आराम से चलती है। इसको आप लिथियम बैटरी, लेड एसिड बैटरी 48 वॉल्ट या फिर 60 वॉल्ट की लगा सकते हैं। अगर लेड एसिड बैटरी की बात करें तो 48 वॉल्ट और 28 एम्पेयर की बैटरीज आप लगाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 45 से 50 किलोमीटर का बैकअप मिलता है। और अगर आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए तो फिर आपको कंपलसरी लिथियम में जाना पड़ेगा। लिथियम में 25 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, 35 एम्पेयर के हिसाब से बना सकते हैं बैटरीज। हमने यहाँ पर जो कंट्रोलर लिया है आप देख सकते हैं, कंट्रोलर हमारा जो है वो 33 एम्पेयर का मैक्सिमम लिमिट वाला है और ये 48 वोल्ट से लेकर 64 वोल्ट तक के सारे बैटरीज में चलता है। इस यहाँ पर हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए एक पावर सप्लाई लिया हुआ है ताकि इसको पावर ऑफ कर सके, बाकी आप लिथियम बैटरी, लेड एसिड बैटरी से कंपलसरी चला सकते हैं। अभी लोड के बिना चला रहे हैं तो आपको कम पावर में भी ये चलेगा। मीटर हमने कनेक्ट किया हुआ है, हमारे पास दो तीन तरीके के मीटर्स अवेलेबल हैं तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग क्या क्या मीटर्स देते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ये मीटर है, उसके बाद ये भी है, दूसरा एक स्क्वायर मॉडल भी डिज़ाइन में है हमारे पास। उसी तरीके से अलग अलग थ्रोटल्स भी रहते हैं, जैसे ये नॉर्मल थ्रोटल है, ये फॉरवर्ड, ये हॉर्न स्विच वाला थ्रोटल है। फिर हाँ, डिस्प्ले जो बात कर रहे थे स्क्वायर डिस्प्ले, तो ये स्क्वायर डिस्प्ले है। बहुत सारे डिस्प्लेज हैं हमारे पास, एक्सीलेटर में भी फॉरवर्ड रिवर्स वाला, 1-2-3 मोड वाला, और भी बहुत सारे एक्सीलेटर के भी ऑप्शंस है, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसा हो तो आप सभी को दिखाएंगे। और अब मैं आपको यहाँ पर स्पीड इंडिकेशन के साथ आपको ये पूरा दिखा देता हूँ ताकि आपको ये पता चले। तो यहाँ पर अभी ये पार्किंग मोड में है, जैसे ही इसको ऑन करेंगे, जैसे ही व्हील घुमाएंगे तो स्पीड के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस दिखाएगा। देखिए जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है यहाँ पर, तो ये 45 अप्रोक्स चल रहा है और इसमें भी 1-2-3 मोड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप फॉरवर्ड, रिवर्स, 1-2-3 इस तरीके से अलग अलग मोड से चला सकते हैं। चलिए इसको स्टॉप करते हैं और मैं आपको रिवर्स भी दिखा देता हूँ। तो रिवर्स का ऑप्शन भी है इसमें, जैसे व्हीकल को अगर रिवर्स करना है तो रिवर्स मोड के लिए आपको रिवर्स का जो स्विच, उसका कनेक्टर रहता है, वो यहाँ पर रिवर्स का एक कनेक्टर रहेगा जो कि आपको कनेक्ट करने पर फॉरवर्ड रिवर्स काम करता है। तो इस कनेक्टर में जब आप रिवर्स वायर का कनेक्शन करेंगे, हमने रिवर्स के हिसाब से यहाँ पर हॉर्न स्विच को यूज़ कर रहे हैं, तो ये हॉर्न स्विच दबाकर अगर एक्सीलेटर देंगे तो ये रिवर्स घूमेगा, रिवर्स में लो स्पीड घूमता है। और अगर उसको छोड़ के हम लोग सिर्फ एक्सीलेटर देंगे बिना बटन दबाए तो वो फॉरवर्ड घूमेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। स्पीड मीटर्स आपको चाहिए तो वो अलग से लेना पड़ता है। हमारी किट में हम लोग मोटर, कंट्रोलर, एक्सीलेटर, की स्विच, एंडरसन सॉकेट, टर्मिनेशन के लिए इस तरीके का जंक्शन बॉक्स और डीसी कन्वर्टर, इतना सामान हम बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं। ये डीसी कन्वर्टर है जो कि आपकी लाइटिंग और एसेसरीज़ को लगाने के काम आता है। बाकी फिर एडिशनल जो भी आपको स्पीड मीटर लेना है या और भी कुछ सामान लेना है तो आप फिर एक्स्ट्रा पेमेंट करके, जैसे बैटरीज हैं, चार्जर्स हैं, उसके लिए फिर एडिशनल आप ले सकते हैं। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी किट आएगी उसमें मोटर, कंट्रोलर, एक्सीलेटर, डीसी कन्वर्टर, ये येलो टर्मिनेशन बॉक्स और एक एंडरसन सॉकेट और की स्विच, इतना सामान आएगा। तो आपको कभी भी ऑर्डर करना है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आपको हमारे वेबसाइट में भी आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। हमारा वेबसाइट है www.motorkit.in, तो आप उस पर जाकर वो चेक कर सकते हैं डिटेल्स और आप हमें डायरेक्टली ऑर्डर भी कर सकते हैं। और भी जानकारी के लिए या और भी मटेरियल के लिए हम आपको दिखा देते हैं कि हमारे पास क्या क्या रहता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक साइकिल्स के कंपोनेंट्स रहते हैं,
ये जो मैंने आपको बताया एलॉय व्हील का ऑप्शन है। फिर अगर आपको एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम चाहिए तो ये रिमोट कट ऑफ वाला ऑप्शन है, जिसमें कि आप रिमोट से व्हीकल को ऑन ऑफ करवा सकते हैं, तो ये रिमोट कट ऑफ वाला ऑप्शन भी है। फिर प्रोग्रामेबल कंट्रोलर्स जो आते हैं, जो कि आप लैपटॉप से कनेक्ट करके प्रोग्राम करके लगा सकते हैं, जैसे ये वॉटल कंपनी का है और ये कैली कंपनी का है। तो इस तरीके से अलग अलग ब्रांड्स के हमारे पास अलग अलग कंट्रोलर्स रहते हैं। ये कैली का कंट्रोलर का मॉडल है 250 एम्पेयर वाला है, 24 वोल्ट से लेके 72 वोल्ट तक ही काम करता है कैली कंट्रोलर। 250 एम्पेयर तक की इसकी कैपेसिटी है। BLDC कंट्रोलर है ये, विथ प्रोग्रामिंग ऑप्शंस रहता है। इसको आप प्रोग्राम करना चाहे तो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से फीचर्स ऐड करवा सकते हैं। उसी तरीके से वॉटॉल के हैं कंट्रोलर्स, ये भी प्रोग्रामेबल रहते हैं। इसमें हमारे पास 55 एम्पेयर, 35 एम्पेयर, उस तरीके से अलग अलग एम्पेयर में है। फुट एक्सीलेटर्स की बात करें तो फुट थ्रोटल भी हमारे पास रहते हैं, जो कि पैडल ऑपरेटेड एक्सीलेटर्स रहते हैं। ई रिक्शों के मोटर्स हैं हमारे पास। 10 इंच का ऑप्शन है, जैसे 10 इंच का रिम है तो ये 10 इंच के अंदर ये डिस्क ब्रेक वाला ऑप्शन है रिम का। वायरिंग हार्नेस की बात करें तो वो भी हमारे पास रेडी स्टॉक में रहते हैं। जो आपको स्क्वायर डिस्प्लेस दिखाए थे वो, ये उसका स्टॉक है हमारा पूरा। एक्सीलेटर्स की बात करें तो बहुत सारे एक्सीलेटर्स, ये एंडरसन कनेक्टर्स जो कि ई रिक्शों में चार्जिंग सॉकेट की तरह लगते हैं। बैटरी के SOC डिस्प्लेस आते हैं जो कि वोल्टेज और स्टेट ऑफ चार्ज दिखाते हैं, वो भी स्टॉक्स में रहते हैं। और थ्रोटल की बात करें तो फॉरवर्ड रिवर्स विथ 1-2-3, जैसे आपको बताया था फॉरवर्ड रिवर्स 1-2-3 ऑप्शन। मोटर में BLDC मोटर्स, ये हमने पुली लगा के एक बाइक का ऑप्शन बनाया था उसके लिए है, तो ये वो है। इलेक्ट्रिक साइकिल्स के हमारे मोटर्स रहते हैं, ये इलेक्ट्रिक साइकिल का मोटर है और हमारी खुद की ब्रांड का इलेक्ट्रिक साइकिल भी रहता है। तो हमारे ओन ब्रांड के कुछ मॉडल्स हैं जो कि हम यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं। ये हमने एक कंपनी को लोकल कम्यूट के लिए, लोकल एरिया में घूमने के लिए बना के दिया था, और ये हमने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं स्टोनी मॉडल हमारा, ये वर्किंग कंडीशन में है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये हमने 20 इंच के व्हील के साथ फैट बाइक का कॉम्बो बना के इसको बनाया हुआ है। और देख सकते हैं आप, और भी हमारी बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक साइकिल के किट्स आते हैं जो कि चेन ड्राइव कहते हैं उसको, PMDC मोटर्स, तो ये PMDC मोटर्स के किट्स हैं और उसका स्टॉक है। ये 250 वॉट विदाउट चार्जर, विद चार्जर 350 वॉट, 750 का पैडल रिक्शा का जो किट आता है वो है, ये स्टॉक है उसका पूरा साइकिल्स का। ये 24 वोल्ट के चार्जर्स हैं, ये लिथियम बैटरी का स्टॉक है, और ये डिटैचेबल बैटरी बॉक्स के साथ पूरा कॉम्बो आता है वो है। कंट्रोलर्स में अलग अलग वैरायटी हैं, जैसे ये 1500 वॉट के कंट्रोलर्स हैं और ये इलेक्ट्रिक साइकिल के कंट्रोलर्स हैं। ये 24 वोल्ट के चार्जर का सेक्शन है, ये 48 वोल्ट के चार्जर का सेक्शन है, ये पूरा कंट्रोलर का सेक्शन है। इसमें आपको BLDC कंट्रोलर्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं इसमें, सारे BLDC मोटर्स के कंट्रोलर्स हैं। ये 24 वोल्ट का है, 350 वोल्ट का कंट्रोलर, ये भी 24 वोल्ट और 36 वोल्ट के हिसाब से है। उसके बाद हमारे पास छोटे व्हीकल, जैसे हमने बताया एक छोटा स्कूटर बनाया था तो उसके फ्रंट व्हील और बैक व्हील का स्टॉक रहता है। ये ई रिक्शों के मोटर्स और उसके कंट्रोलर्स हैं, ये लिथियम बैटरी के चार्जर्स हैं, अगर किसी को चार्जर्स की रिक्वायरमेंट हो। DC कन्वर्टर्स हम लोग रखते हैं स्टॉक में, ये DC कन्वर्टर्स है। उसमें दो तरीके की क्वालिटी आती है, एक मीडियम क्वालिटी रहती है और एक
थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी रहती हैं, जो कि मीडियम से थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन उसमें आपको अच्छा प्राइस और थोड़ा सा वारंटी का ऑप्शन मिलता है। प्राइस थोड़ा ज़्यादा देने पर आपको सीधी सी बात है प्रोडक्ट अच्छे मिलते हैं। उसमें 10 एम्पेयर और 15 एम्पेयर का ऑप्शन है हमारे पास, तो ये 15 एम्पेयर का है। और की स्विच हैं जो कि ई रिक्शों में लगते हैं, की स्विचेस, उसमें भी दो तीन तरीके की क्वालिटी रहती है। तो ये हमने थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का मंगवाया, जिसमें पीछे से वायर जो है उसको भी कवर्ड अप किया रहता है, तो ओपन जो सोल्डरिंग किया हुआ रहता है वो नहीं है। उससे क्या बेनिफिट होता है कि आपका वायर थोड़ा सा सेफ हो जाता है। और 36 वोल्ट में थ्रोटल विथ बैटरी लेवल इंडिकेटर्स हैं ये, जिसमें की और लेवल इंडिकेटर दोनों इंक्लूडेड रहता है। जो एसओसी डिस्प्लेज आते हैं, जो कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि आपको उसमें ऑप्शंस मिलते हैं कि आप स्टेट ऑफ चार्ज देख सकते हैं, तो वो हैं ये एसओसी डिस्प्लेज। और भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप हमें कांटेक्ट करके या फिर हमें डायरेक्टली इंक्वायरी कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको भी जानना हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल का सारा सामान रहता है हमारे पास। ये 50 एम्पेयर का कंट्रोलर है जो कि ई रिक्शों में लगता है।